आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं श्री त्रिपाठी आठवीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं श्री दादी जी मनी ट्रस्ट गुवाहाटी पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। आज मैं एक नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी बोलने जा रहा हूँ और यह कहानी का शीर्षक है लोमड़ी की चालाकी। एक दिन एक लोमड़ी अचानक एक कुएं में गिर गई। कुएं में गिर कर वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उधर से गुजर रही एक बकरी कुएं से पानी पीने के लिए रुकी। कुएं के पास आकर जब उसने झांक कर देखा तो कुएं के अंदर लोमड़ी को देखकर उसने पूछा, बहन तुम यहाँ क्या कर रही हो? लोमड़ी बहुत चालाक थी, बड़े मीठे स्वर में बोली, इस कुएं का पानी बहुत मीठा है, मैं हमेशा यही यहाँ पानी पीती हूँ। मैं आज इसमें इसलिए आई हूँ कि ज्यादा पानी पी सकूं। तुम भी अंदर आ जाओ और जी भर कर पानी पियो। यह सुनते ही बकरी कुएं में कूद पड़ी। उसकी पीठ पर चढ़कर लोमड़ी कुएं से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने हंसते हुए बकरी से कहा, कुछ भी करने से पहले उसका परिणाम जरूर जान लो। इस कहानी से हमें यह नैतिक शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे काम करने से बाद में पछताना पड़ता है। धन्यवाद।